यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्यौहार हो और मिठाइयों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। दिवाली रोशनी और मिठाइयों का त्यौहार है। मिठाइयों के बिना दिवाली का त्यौहार अधूरा है। एक समय था जब लोग दिवाली पर बहुत पहले से मिठाइयाँ बनाने लगते थे घर पर ही, और बेफिक्र होकर उसे खाया करते थे। लेकिन आजकल बात बदल चुकी है। लोग डाइट कॉन्शियस और कैलोरी कॉन्शियस हो चुके हैं, और इसी वजह से लोगों ने मिठाइयों को खाना कम कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हमें मिठाई खानी चाहिए, और अगर खानी चाहिए तो किस तरह की मिठाई खानी चाहिए, और किस तरह की मिठाई को हमें कम खाना चाहिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ हेल्थ। मैं हूं नीलम, सर्टिफाइड ऑन आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो हम बात कर रहे थे मिठाइयाँ हमें खानी चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूँ, मिठाइयाँ हमें ज़रूर खानी चाहिए। मिठाइयाँ हमारे भारतीय खाने में हमेशा से शामिल रही हैं, फिर चाहे वो कोई त्यौहार हो या हमारे घर पे कोई फंक्शन हो, मिठाइयाँ तो खास होती हैं। हमारी पारंपरिक मिठाइयाँ घर पर बनी हुई, जैसे कि लड्डू, बर्फी, गुजिया, गुलाब जामुन, हमें त्योहारों के मौक़ों पर ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपने इन्हें घर पर बनाया है तो बेझिझक होकर खाइए, क्योंकि ये मार्केट की तुलना में बहुत सेहतमंद होती है। लेकिन किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए आपको इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर चाहे वो मार्केट से खरीदी हो या फिर आपने उन्हें घर पर ही क्यों ना बनाया हो। तो अब बात करते हैं किस तरह की मिठाइयों को आपको अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, बालूशाही, मालपुआ, गुजिया, बूंदी और बूंदी के लड्डू, इस तरह की डीप फ्राइड मिठाइयों को आपको बहुत ही कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। इनकी जगह आपको प्योर मावे, घी, ड्राई फ्रूट और दालों से बनी मिठाइयों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि रसगुल्ला, काजू कतली, बेसन के लड्डू, मावे की बर्फी, नारियल की बर्फी, ड्राई फ्रूट की बर्फी। अगर आप मिठाइयों को घर पर बना रहे हैं तो शुगर की जगह आप शुगर फ्री, गुड़ और खजूर का इस्तेमाल करके उन्हें और भी हेल्दी बना सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए मिठाइयों को और डीप फ्राइड स्नैक्स को संभल कर खाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली।